पर अमेरिका का पहला बड़ा बयान, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अमेरिका ने हमले रोकने में मदद की है, यूएस ने ये कहा है। बाइडेन हालात पर नजर बनाए हुए हैं, लगातार मीटिंग का दौर चल रहा है इस वक्त। ये बड़ी खबर सिचुएशन रूम में, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, दोनों इस वक्त मौजूद है और जो परिस्थितियां बनी है उसको लेकर आदेश वहां से दिया जा रहा है। लेकिन ये कहा गया यूएस की तरफ से कि अमेरिका ने जो हमला हुआ है उसको रोकने के लिए फिलहाल कोशिश की है, मदद की है उसमें। ये बड़ी खबर राहुल, अमेरिका के सिचुएशन रूम से कहा जाए कि एक तरफ आदेश और उसके बाद ये बयान आता है कि जो हमले हुए हैं उसको रोकने के लिए ये एक मदद की गई है। ये पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं हुआ है बल्कि एक डिफेंसिव तौर पर ये सहयोग था। देखिए, डिफेंसिव इसलिए भी क्योंकि अमेरिका में चुनाव होने वाला है। जिस ओवल रूम का मैं जिक्र कर रहा हूँ वॉशिंगटन डीसी यानी व्हाइट हाउस के अंदर, वहां पे कमला हैरिस भी है जो डेमोक्रेट की उम्मीदवार है। अमेरिका को यह भी दिखाना है कि वो इसराइल के साथ है, क्योंकि बहुत बड़ी लॉबिंग वहां पे लीगलाइज तरीके चलती है और लॉबिंग जो काफी हद तक है वो यहूदियों के पास है जो सीधे तौर पर सिंपैथी रखते हैं इसराइल के साथ साथ। तो इंटरनल पॉलिटिक्स के लिहाज से उन्हें डिफेंसिव पोस्चर ही सूट करता है, क्योंकि अगर अग्रेसिव पोस्चर की बात करें तो वो ग्रेटर इसराइल के नाम पर ईरान का नक्शे से हटाने को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप यानी रिपब्लिकन की तरफ से की जा चुकी है। तो अमेरिका के जितने भी स्टेटमेंट आएंगे वो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव और इंटरनल पॉलिटिक्स को देखते हुए भी आएंगे इस युद्ध के मद्देनजर। जी, न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।